सिंपल वन आने वाला है एथर 450X और बजाज चेतक को भी आप इसके साथ इस रिव्यू के साथ देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी कहाँ पे परफॉर्म करती है। तो 75-80 किलोमीटर तक की ये गाड़ी रेंज देगी। जैसे ही मोड चेंज करते हैं तो इसके साथ आपका ना स्मार्ट डिस्प्ले आता है पूरा। 33,000 फ्रेम सब्सिडी जो है वो यहाँ से ऑलरेडी कट करके मैंने आपको ऑन रोड प्राइस दी थी। देखो ये एक दिक्कत मुझे देता है बहुत टाइम से, इसको चालू होने में टोटल 5 सेकंड से ज्यादा लग जाते हैं। तो गाड़ी चलाने में कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसका ब्रेकिंग बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है बाइक मैंने फुली सर्विस करा लिया था और उसके बाद मैंने फ्यूल टैंक भी पूरा फिलअप किया है 14 लीटर तक और राइड पे जाने के लिए रेडी। लेकिन ध्रुव को मैं बाइक चलाने दे रहा हूँ। आपको शायद पता हो टीवीएस के पास भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल है और वो इलेक्ट्रिक स्कूटर अब तक अहमदाबाद में अवेलेबल नहीं था लेकिन आजकल वो अवेलेबल हो रहा है। तो प्रहलाद नगर वाले जो शोरूम है वहाँ पे मैं चेकआउट करने जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ खुद से भी और आपको भी दिखाऊंगा कि टीवीएस का ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो आपके लिए यूजफुल रहता है कि नहीं रहता। और अगर मेरे लिए भी रहेगा तो फिर मेरी भी लिस्ट चली रही इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करने की, वो भी देखा जाएगा इस वीडियो में। हमने लगा दिया यहाँ पे पार्किंग पे, हम लोग आगे यहाँ पे वीटेज टीवीएस। रफली बता दूं तो प्रहलाद नगर एरिया जो कि अहमदाबाद में लगता है वहाँ पे गवर्नमेंट का पार्किंग है, उसके सामने का जो मॉल है उसी मॉल के वहाँ पे वीटेज टीवीएस का यहाँ पे शोरूम है। आई क्यूब से लेके टीवीएस हर एक प्रोडक्ट की आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। आपको एक बार मैं शोरूम दिखा देता हूँ कि शोरूम कैसा है। टीवीएस के शोरूम में जाके मैं मिला मिस्टर मेहुल से। सर आई क्यूब हमारे यहाँ पे कितना टाइम हो गया आगे? ये हमारे यहाँ पे सर डेढ़ महीना जैसा हो गया सर। पूरा सर ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा इसके अंदर, टीवीएस की वेबसाइट पे ऑनलाइन बुकिंग करवाना रहेगा और कंपनी वेटिंग टाइम बोल दिया 2 महीने का। 2 महीने का बहुत लंबा चौड़ा वेटिंग टाइम है। सर का भी नंबर दे देंगे, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे आके। अपना आई क्यूब के लिए टेस्ट ड्राइव भी आप ऑनलाइन जो करना है, अगर ऑनलाइन नहीं करना ऑफलाइन यहाँ पे फोन करके कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। चलो वो भी हो जाएगा आपका। तो तुम्हारा बाकी सर बाइक तो दिखा लिया लेकिन आई क्यूब दिख नहीं रहा है। सर्विस सेंटर गया है, क्यों वेट करेंगे? अच्छा चार्जिंग खत्म हो गया, चार्जिंग खत्म हो गया। सर यहाँ पे बड़ी आरटीआ और 162 भी जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है व्हेन आई वाज इन स्कूल। ये बाइक सबके ना ऐसे डिमांड है, ये जो मस्कुलर लुक था और ये जो एलईडी डीआरएल वाला जो सेटअप दिया था ना, दैट बाइक वाज अमेजिंग एट द टाइम। बाकी सारे व्हीकल्स तो आप देख रहे हो यहाँ पे, इनका जुपिटर भी जो नया वाला है बल डिक्की वाला है जो नीचे फ्लोर पे इन लोगों ने वो फ्यूल टैंक लगा के दिया है, वो वाला भी बहुत ऑसम है, उसका भी रिव्यू डालेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो गाड़ी हमारा आ चुका है यहाँ पे, गाड़ी अभी आ चुका है यहाँ पे शोरूम पे और शोरूम से गाड़ी हम लोग थोड़ा इसको बाहर लेके जाएंगे और बाहर जाके दिखाएंगे आपको प्रॉपर थोड़ा धूप के अंदर अच्छी लाइटिंग के साथ दिखाएंगे गाड़ी दिखने में कैसा है, क्या डिटेल्स है, मोटर की क्या साइज है, कितनी कैपेसिटी चलती है, सब दिखाएंगे आपको। चलो अभी बाहर चलते हैं गाड़ी को बाहर लेके, फिर वीडियो निकालते हैं। अच्छा ये है टीवीएस का आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू को इस चाबी से। इस चाबी में आपको दो टाइप की चाबी देखने को मिलती है, एक जो रेगुलर चाबी आपकी रहती है स्कूटर की उस तरीके की चाबी है और दूसरी चाबी जो है वो रहती है थोड़ी फ्लिप वाली। देखो गाड़ियों में हम लोग यूज करते हैं फ्लिप वाली चाबी वैसी है। और एक और बटन यहाँ पे दिया है आपको दिख रहा होगा, ये छोटी सी लाइट वाला बटन है। दैट्स इट फॉर चाबी। अभी स्कूटर के बारे में बात करते हैं। इसमें ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली बॉडी आपको देखने को मिलेगी, जो की आउटर साइड इसका शेल रहता है वो आपको देखने को मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं इसको पियानो ब्लैक बोलते हैं, हम लोग लाइक रेगुलर जो यूजर रहते हैं उसको ब्लैक और व्हाइट वाली बॉडी क्लेडिंग बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक आपको टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आई क्यूब का जो लोगो है, जो इलेक्ट्रिक वाला टीवीएस का लोगो है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में यहाँ पे ये जो जगह दी गई है ये नंबर प्लेट के लिए, यहाँ पे छोटे से वेंट दिए गए, पता नहीं किस लिए दिए लेकिन वेंट दिए है यहाँ पे। नीचे की ओर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एलईडी बार का पूरा सेटअप। ये आपकी पार्किंग लाइट्स है, ये साइड इंडिकेटर्स भी है, पार्किंग लाइट भी हो जाती है। और फ्रंट की जो एलईडी है वो कुछ अलग डिजाइन से रेगुलर से थोड़ी नीचे की तरफ इसकी एलईडी दी गई है। हाई बीम लो बीम का एलईडी का सेटअप है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये अभी लो बीम है, आपको एक बार करके दिखाता हूं। दिस इज अ हाई बीम, राइट नाउ इट्स इन अ हाई बीम। तो ये कुछ इस तरीके से एलईडी का सेटअप है। यहाँ पे आपको ये जो मडगार्ड आगे का फ्रंट देखने को मिल जाता है, ये जो पार्ट्स है यहाँ पे
यहाँ पे आगे की जो बॉडी है वो पूरा फाइबर बॉडी है। इसका मटेरियल अलग है और इसका भी मटेरियल अलग है। इसका थोड़ा हैवी टाइप मुझे मटेरियल लग रहा है। इसका मटेरियल इतना हैवी नहीं है जितना कि ये मडगार्ड वाला हैवी है। फ्रंट शॉकअप टेलीस्कोपिक है जो कि आपको रेगुलर जुपिटर में देखने को मिलते हैं। वैसे गाड़ी जुपिटर पर बेस करके ही बनाई है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं। ये 3.5 mm थिकनेस वाला आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ आता है। टीवीएस का टायर आपको देखने को मिल जाएगा नायलॉन का 90x90x12 का टायर साइज है। ये फ्रंट और रियर दोनों का टायर साइज सेम है। यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा DRL आपको दिया है जो कि डे टाइम रनिंग लाइट आप बोल सकते हो। यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट की यहाँ पे बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो बैजिंग दिखी थी ये देखिए TVS का लोगो आता है, थोड़ा सा डांस होता है iQube का। इट टेक 5 to 6 seconds टू बूट अप। ये एक्चुअली बूट अप मैं इसको बोल सकता हूँ क्योंकि ये छोटा सा मोबाइल का स्क्रीन जैसा यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। आपका नेविगेशन हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया डिस्प्ले के अंदर, आपका ब्लूटूथ कनेक्ट अपना डिवाइस करके आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम साइड इंडिकेटर हॉर्न बड़ा तगड़ा वाला हॉर्न दिया यहाँ पे। और ये वाला आपको जो बटन मिलता है ये मिलता है आपको पार्किंग लाइट का बटन। हजार लाइट बोल सकते हो आप इसको, पार्किंग लाइट बोल सकते हो। इसका बटन अलग से दिया है यहाँ पे आपको। ये जो बटन दिख रहा है इसको बंद कर दो। देखो ये बटन जो आपको दिया गया है ये बटन एक्चुअली रिवर्स वाला बटन है। इसको दबाने के बाद आपका गाड़ी रिवर्स में ले सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसको कर। ये है मोड का बटन। आपको रेगुलर मोड जो कि इको मोड रहता है और जो फास्ट मोड मतलब स्पोर्ट्स मोड, दोनों मोड को आप टॉगल कर सकते हो इस बटन की मदद से। बाकी बेसिक फंक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑन ऑफ पुश करके जो हैंडल लॉक वाला होता है वही सब आपको देखने को मिल जाएगा। वापस से शुरू हो गया। फिर यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। आप जो प्लग चार्जिंग सॉकेट रहता है आपका वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। ये जो चीजें टांगने का आपको हुक मिल रहा है इस पे लिखा हुआ है 3 kg तक की मैक्स पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है। ये अच्छे से मैट यहाँ पे लगाई हुई। थोड़े से अभी ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो थोड़ा सा यहाँ पे रोबस्ट यूज करने के अंदर ही थोड़ा सा ऐसे हार्ड प्लास्टिक वाला फील आ रहा है। और फिट एंड फिनिश की क्वालिटी कैन से डिसेंट वाला है। अच्छे वाले ब्रेक लीवर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर है वो आपको स्क्वायर शेप के अंदर मिल जाएंगे जो कि ठीक ठाक विजिबिलिटी ऑफर करते हैं। सिंपल वन आने वाला है एथर 450X और बजाज चेतक को भी आप इसके साथ इस रिव्यू के साथ देख सकते हो कि किस तरीके से ये गाड़ी कहाँ पे परफॉर्म करती है। बाकी सीट की कुशनिंग वाइड इनफ है और दो लोगों के लिए सफिशियंट जगह मिल जाती है। पीछे की तरफ ये कुछ अच्छा सा टच किया गया जो पिलियन राइडर के जो ग्रैब बार है उसको पकड़ने के लिए कुछ अलग से यहाँ पे प्लास्टिक वाला फिनिशिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो iQube इलेक्ट्रिक की बैजिंग यहाँ पे आती है। इस तरफ भी आपको एक हुक मिल जाता है जो कि 3 kg की कैपेसिटी के साथ आता है। अगर सीट की बात कर ही रहे तो आपको अंडर बेली स्टोरेज भी मैं दिखा देता हूँ कितना स्टोरेज लगता है। वैसे ये अभी भी पुराने तरीके से साइड में की लगा के ही खुलता है स्टोरेज क्योंकि क्लिक का साउंड आया। आपको सीट के नीचे का भाग कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको जो पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर जगह मिलती है ना सेम जगह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अंदर की साइड एक लाइट भी दिया हुआ है। रात को कुछ चीजें निकालनी है इसमें से स्टोरेज में से। अच्छा खासा स्टोरेज कैपेसिटी है। आप फुल फेस हेलमेट एक रख पाओगे। तो ये USB सॉकेट है। आप सीधा अपना USB का टाइप पे डाल के सीधा अपना फोन यहाँ पे चार्ज करके रख सकते हो डिक्की के अंदर। स्विंग आर्म के ऊपर इन लोगों ने TVS इलेक्ट्रिक की बैजिंग वाला वैसे इल्यूमिनेट होता है रात को, इसमें ब्लू रंग की लाइटिंग लगी हुई है जो इल्यूमिनेट होता है रात के टाइम। तो ये रात को देखने में अच्छा लगेगा। पीछे की जो मोटर है वो टायर में इंटीग्रेटेड है। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं इसके मोटर के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 4.4 किलोवाट की बॉश की हब मोटर आपको देखने को मिल जाती है जिसके साथ आपको मिलती है 24 mAh की 3 बैटरी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ एक फ्लोर प्लान पे 2 बैटरी सेल्स, एक बैटरी सेल यहाँ पे है और 2 बैटरी सेल यहाँ पे इसके पीछे की ओर दिए हुए जिससे 3 बैटरी कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म देती है। अगर पावर की बात करी रहे तो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा इको और पावर दो मोड आपको देखने को मिलता है। इको मोड के अंदर अगर गाड़ी की रेंज की बात करो आप तो 75 to 80 किलोमीटर तक की ये गाड़ी रेंज देगी और इसकी टॉप स्पीड रहेगी अराउंड 45 किलोमीटर पर आवर की जिस इको मोड की हम बात कर रहे हैं। अगर पावर मोड की बात करें जिसमें लगता है आपका 60 to 65 किलोमीटर तक का आपका रेंज मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर और टॉप स्पीड मिलेगा आपको 78 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड ये गाड़ी आपको देगी पावर मोड के अंदर फुल थ्रॉटल पे। और जैसे कि मैं आपको टॉगल करके दिखा रहा हूँ ये वाला इको मोड और ये वाला पावर मोड। जैसे कि ये इको मोड हो गया और ये पावर मोड हो गया, दो मोड के साथ ये गाड़ी आती है। जैसे ही मोड चेंज करते हैं तो इसके साथ आपको ना स्मार्ट डिस्प्ले आता है पूरा जहाँ पे आपको रेंज यहाँ पे दिख जाएगी कौन से मोड के अंदर गाड़ी कितना रेंज निकाल रही है। और यहाँ पे जो बार दिख रहा है आपको बैटरी इंडिकेट करता रहेगा कितना परसेंट बैटरी अपनी गाड़ी में लेफ्ट है। जो ब्लू रंग का जो आपको जगह दिख रहा है ना यहाँ पे सब नेविगेशन क्या टाइमिंग है सब दिखाता रहेगा। यहाँ पे टाइम डेट वही सारे फंक्शन आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगे। जब गाड़ी ऑन करते हो तो यहाँ पे 4 आइकॉन देखने को मिल जाते हैं पार्क असिस्ट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, बैटरी और साइड लैंप्स और हाई बीम और अलर्ट वाले भी। अलर्ट वाला शायद आपका रेंज जब कम होगा तब आपको दिखाएगा। स्टैंड लगा के रखा तो स्टैंड का सिंबल आ गया। स्टैंड जब तक लगा होगा गाड़ी का साइड स्टैंड तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, उसमें पावर ऑन होगा नहीं। तो ये सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इस गाड़ी में दिए हुए हैं। जितना भी आपका जो स्विंग आर्म वाला पोर्शन है वो पूरा अच्छे तरीके से
ब्लैक रंग के फाइबर में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा कि अच्छे तरीके से ढका गया, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एक्सपोज आपको दिखी हो। जो फ्रंट एलॉय है वो भी आपको डायमंड कट के अंदर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं। बातें बहुत हो गई, आप गाड़ी को मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इसके कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो आपको दिखाने पड़ेंगे, वो गाड़ी चलाती चलाती पता लगेगी और आपको दिखाऊंगा भी। जैसे कि ध्रुव की हाइट 5'10" है तो उसका पोस्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है, उसके बैठने के बाद भी इतनी जगह पीछे बच रही है जो कि मेरे लिए सफिशियंट जगह है। इतना जगह बच रहा है उसमें मेरी हाइट के बंदे अगर 5'9" का कोई भी है तो पीछे बैठ पाएगा। लेकिन एक दिक्कत जो मुझे आ रही थी वो एक बार दिखाओ तो, जैसे कि गाड़ी मोड़ते हो आप सिटी के अंदर यू टर्न लगाते हो तो ये जो पैर पे है ना, ये देखो ये हैंडल बार यहाँ पे टच हो रहा है। अगर कोई, मुझे लगता है जहां तक 5'6" से अबोव हाइट वाला है, 5'6" तक की जो हाइट है यहाँ तक ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब 5'7" 5'8" 5'9" 5'10" की बात करते हैं तब ये दिक्कत आपको आ सकती है। मैं पीछे बैठ रहा हूँ, वैसे मेरी हाइट मैंने बताया आपको 5'9" है और पीछे बैठे में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वैसे ध्रुव को भी दिक्कत नहीं आ रही, ऐसा लगता है। तुझे कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो चलो गाड़ी को चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। इको मोड में गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, चलाओ। गाड़ी स्टार्ट करते ही दिक्कत क्या आ रही है? मैं थोड़ा बहुत ऊपर है। अच्छा, मतलब जो फुटरेस्ट जो दिया हुआ है, जो पैर रखने की जगह, वो थोड़ी ऊपर की ओर है, कंफर्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो एक चीज तो मुझे बतानी पड़ेगी कि इसका जो इनिशियल टॉर्क जो मिल रहा है, गाड़ी का एक्सेलरेशन जो मिल रहा है, वो बहुत ही मुझे तगड़ा लग रहा है। पावर की कमी कहीं पे लग नहीं रही है। हालांकि रेंज आपको यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है, जो कि जिस तरीके से आपका ड्राइविंग है उस तरीके से आपको रेंज मिलेगा। तो गाड़ी चलाने में कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसका ब्रेकिंग बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। ड्यूअल ब्रेकिंग आपको मिल जाती है, जब आप फ्रंट का ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपका पीछे का भी ब्रेक आपका ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो दोनों तरफ से आपकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। गाड़ी स्किड खाने का रहता है परसेंटेज, वो बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ अगर आप आगे का ब्रेक अप्लाई कर दो तो आगे का टायर स्किट होता लगा मुझे, जो पीछे के टायर में ऐसा सीन नहीं था। पीछे का टायर मैंने हार्ड ब्रेकिंग करके भी देखा, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट ब्रेकिंग बहुत ही अच्छे से लग गया। देखो ये एक दिक्कत मुझे देता है बहुत टाइम से, इसको चालू होने में टोटल 5 सेकंड से ज्यादा लग जाते हैं, ये सब दिखाने में ही 5-6 मिनट तक लग जाते हैं। तो गाड़ी को लेकर हम लोग वापस आ गए हैं यहाँ पे VTech TVS पे, जो कि प्रहलाद नगर में अहमदाबाद पे TVS का आउटलेट है, जहाँ पे आपको ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल होगी। अब इसके बारे में ज्यादा जानते अंदर जाके शोरूम में आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में क्या सब्सिडी चल रही है उनसे ही जानते हैं। जहाँ पे हम मिले मैम से, अब ये बताएगी हमें कि इसका किस तरीके से ऑन रोड प्राइस किस तरीके से लगता है और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी किस तरीके से, तो सारी डिटेल आप लोग बताइए। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,26,967 रुपीज। मतलब ये जो हम मेन प्राइस आपने बताया उस प्राइस के अलावा चार्जर का प्राइस रहता है, और जो कि आपका वेरिएबल रहता है कि आपको कौन सा चार्जर है, बेस चार्जर लेना है या फिर वॉल चार्जर लेना है, वो डिपेंड्स ऑन कस्टमर कि आपको कौन सा कन्वीनियंट है, वो चार्जर आप अलोकेट कर सकते हो और उसकी प्राइस एड ऑन होगी। जैसे अभी मैंने 7,989 रुपीज़ का चार्जर अगर लिया है तो मेरी प्राइस हो रही है 1,34,956 रुपीज़। पूरा राउंड लेते हैं, ठीक है, 1,35,000 में अगर हम गाड़ी ले रहे हैं तो इसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी का किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा? इसमें दो तरीके की सब्सिडी दी जाती है, जो मैंने आपको प्राइस बताई थी ऑलरेडी फेम सब्सिडी कट करके दी गई है, क्योंकि 33,000 फेम सब्सिडी जो है वो यहाँ से ऑलरेडी कट करके मैंने आपको ऑन रोड प्राइस दी थी। और अभी जो प्राइस है वो ऑन रोड प्राइस इसलिए बोला क्योंकि कस्टमर को हमें इतना ही देना पे करना पड़ता है 1,34,956 रुपीज़, जिसमें से 20,000 सब्सिडी अभी अमाउंट माइनस होगा व्हेन आप डिलीवरी लोगे, उसके बाद आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का व्हीकल आपके नाम पे, कस्टमर के नाम पे रजिस्टर होगा, उसके बाद की प्रोसेस है जो कस्टमर को खुद को करनी है ऑनलाइन। जो ऑनलाइन गवर्नमेंट सब्सिडी की लिंक आती है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और उसमें आपकी सम डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी रहेगी। एंड यू आर डूइंग इट तो आपको एक एस्टिमेट डेट टाइम मिलता है जब आपको आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर मिलती है बाय गुजरात गवर्नमेंट, जो 20,000 रुपीज अमाउंट है। तो बात होगी आपकी सब्सिडी के बारे में, व्हीकल डिलीवरी के बारे में, क्या चार्जिंग है क्या नहीं है। इसके अलावा, अगर इसके अलावा भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो इनका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के दे दूंगा, इनका लोकेशन भी दे दूंगा, आप अहमदाबाद में आके चेकआउट कर सकते हो। या फिर ज्यादा जानकारी चाहिए, आप बाहर से देख रहे हो, गुजरात से बाहर, महाराष्ट्र से देख रहे, कोई कोलकाता से देख रहे, दूर दूर से देख रहे लोग, वो अपने नियरेस्ट TVS शोरूम जाके भी ये सारी जानकारी ले सकता है। तो यही सारी बातें थी TVS iQube के बारे में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो इस दोस्तों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो कि TVS की एक iQube व्हीकल अहमदाबाद में अवेलेबल हो गई है, तो जाके चेकआउट करना तो बनता है, और चेकआउट करना यहाँ पे बनता है। ये अपना जगह है, कौन सा जगह आप बता दीजिए एक बार? TVS ऑटोमोटिव यहाँ पे प्रहलाद नगर रोड पे, आनंद नगर रोड पे, रिवेरा आर्केड कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगा, राइट, एग्जिट फोन वाले के सामने की साइड। एग्जैक्टली, ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही पेंट करते हैं, रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।